क्लास टुडे आवर टॉपिक इज मोल प्रॉब्लम। आज हम करेंगे मोल प्रॉब्लम, जो मोल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैंने प्रीवियस लेक्चर आपको मोल के बारे में बताया था कि मोल किसे कहते हैं, फिर भी कह रहा हूँ कि मोल एक मेजरमेंट यूनिट होता है जो हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इनको यूज़ करते हैं। तो मैंने दो डेफिनेशन लिखवाई थी, एक लिखवाई थी विथ रिस्पेक्ट टू मास एनालिसिस, दूसरी लिखवाई थी यूनिट एनालिसिस। तो मास में क्या कहते थे मोल की डेफिनेशन के लिहाज से, मोल की डेफिनेशन मैंने आपको ये लिखवाई थी कि एटॉमिक मास, फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का हम उनको रिप्रेजेंट करें ग्राम्स में तो उसको मोल कहते हैं। दूसरी मैंने डेफिनेशन ये लिखवाई थी कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास वो कंटेन करें एवोगैड्रो नंबर या 6.02×10^23 पार्टिकल्स। तो आज उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम करेंगे। तो पहले मैं कराऊंगा मास के लिहाज से, आपको गिवन आपको मास मिला हो और आप उनका मोल किस तरीके से निकालोगे, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का और किसी भी फार्मूला यूनिट या आयन का आपको मास इन गिवन हो तो वहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे और कौन सी डेटा पुट करेंगे और यूनिट क्या बनेगा, तो आज ये करेंगे। तो पहले मैं यहाँ से अपनी तरफ से एक प्रॉब्लम करा रहा हूँ, फिर हम बुक की असाइनमेंट से प्रॉब्लम कराऊँगा। उसी असाइनमेंट में से MCQs रिलेटेड होते हैं जो आते हैं आपके एंटी टेस्ट में, तो आपको मैं टिक भी कराऊँगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बार बार ये आता है। तो पहला प्रॉब्लम मैंने आपको इसका पहले फार्मूला लिखाऊं, इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मोल डिटरमाइन कर रहे हो तो उसका फार्मूला होगा मास इन ग्राम, या इसको कहेंगे गिवन मास, क्योंकि मास मिला होगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय, इसको डिवाइड करेंगे। अभी अगर आप एटम उठा रहे हो, आपको कोई एटम दे रहा है, कह रहा है कि 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो वहां पे आप लिखोगे एटॉमिक मास, इसके नीचे एटॉमिक मास। अगर आपको मॉलिक्यूल्स फॉर्म में कंपाउंड मिला हुआ है तो वहां पे आप लिखोगे मॉलिक्यूलर मास। ये जो सिंबल लगा रहा हूँ ये आर, इसका मतलब ये एटॉमिक मास आर, मॉलिक्यूलर मास आर, फार्मूला मास। फार्मूला मास कौन से है, जो आयनिक कंपाउंड है। तो मैं हर किसी का एक एग्जांपल कराऊंगा, अभी मैं एग्जांपल करा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम, ये न्यूमेरिकल या ये फार्मूला तब लगाएंगे जब आपको मास इन गिवन, आपको मास मिला होगा, मास इसकी कंडीशन है। इफ ये कब यूज होगा, इफ मास ऑफ सब्सटेंस विद मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, मतलब आपको मिला होगा, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं हर किसी के एग्जांपल करा रहा हूँ, आर को बता रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट, पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम हम करें कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इन 24 ग्राम्स। कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करो इन 24 ग्राम्स। मैं 48 कर रहा हूं, इन 48 ग्राम्स। कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम्स ऑफ, माना एल्यूमिनियम के 48 ग्राम्स में इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, हमें ये डिटरमाइन करना है।
हम ये चीज़ किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? वी यूज़ डेट फार्मूला, दिस फार्मूला, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें मास इन ग्राम मिला हुआ है। शामिल है ना डियर स्टूडेंट, द मास ऑफ सबिस्टेंस, हेयर द सबिस्टेंस एटम, एल्यूमिनियम एटम, एल्यूमिनियम एटम का मास इज गिवन व्हिच इज 48 ग्राम्स। तो फर्स्ट वी राइट डाउन द डेटा, पहले हम इसकी डेटा लिखेंगे। तो डेटा में क्या क्या चीज़ मिली हुई है हम वो लिखेंगे। तो डेटा में मुझे मिला हुआ है मास, इसको आप गिवन मास कहोगे, गिवन मास, गिवन मास ऑफ किसका मिला हुआ है? एल्यूमिनियम का। तो ये ए एल को वो कितना है एल्यूमिनियम का? वो है 48 ग्राम सर। ये आपको लिखना है इस तरीके से। अभी एल्यूमिनियम यहां पे क्या है? एटम्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एटम के लिए लिखते हैं एटॉमिक मास। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट लिखोगे एटॉमिक वेट और मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 24 AMU। हमें क्या चीज़ डिटरमाइन करनी है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, वो हमें डिटरमाइन करना है। राइट नाउ सॉल्यूशन, अभी हमें सारी चीज़ें मिल गई इस फार्मूले के मुताबिक। अभी कहेंगे बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला, बाय यूजिंग डेट फार्मूला जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? फार्मूला फॉर डिटरमाइन द, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे सर? फार्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मैं एल्यूमिनियम का कह रहा हूँ। इधर होगा गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि ये एटम है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। ये मैंने वैल्यू रख लिए। अभी हम क्या, मैंने ये फार्मूला यहाँ पे आपको बता दिया ये लगेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे जो डेटा मिला हुआ है। मुझे गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना मिला हुआ है? 48। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 48, क्योंकि ये गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम है, डिवाइड बाय एटम मास ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं? 24। 24 AMU। जब पारा मारेंगे तो वन टाइम एर द टू टाइम, तो इसके आएंगे 2 मोल्स, माना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज 24, माना 20 सॉरी इसका 2 नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 2 मोल्स। किसके अंदर? अगर हम 48 ग्राम उठा रहे हैं किसके? एल्यूमिनियम के। अगर आपको एटम्स मिले हुए हैं तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? ये वाला फार्मूला। अभी मैं इसी टाइप के लिहाज से मालिको मास के लिहाज से उठा रहा हूँ, मालिको मास के लिहाज से उठाऊँ। बेटा ये समझ में आ गया, मैं दोबारा थोड़ा सिंधी में बता रहा हूँ। असांखे छा कैलकुलेट करणो आहे? असांखे कैलकुलेट करणो आहे नंबर ऑफ मोल्स। कंहिंजा कहिड़ा आहिनि नंबर ऑफ मोल्स? एल्यूमिनियम जा काउंट करणा आहिनि।
हाँ एल्युमिनियम जो असके ग्राम्स मिलल गिवन मास मिलल तो जिते भी गिवन मास मिलन हो असके फार्मूलो यो यूज करो पव जो मथे मां शो किया है जो तुम्हें बुधा है अगर गिवन मास मिलल हों तो असा क्यों कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इन 48 ग्राम्स इतने चवे तो एल्युमिनियम जहाँ नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर बुधा केतरा थन्दा अगर उनका 48 ग्राम खड़ों था वो सिंपली है तो इनके डेटा पे रटाइंदी तो असा मिलल है तो गिवन मास ऑफ एल्युमिनियम केतो है 48 ग्राम्स एटम मास एटम एल्युमिनियम तो इन 24 AMU नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम लिखासी उनका फॉर्मुल लग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम बराबर होगा गिवन मास ऑफ एल्युमिनियम डिवाइड बाय एटम मास ऑफ एल्युमिनियम अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे गिवन मास का कितना है 48 एटम मास कितना है 24 जब इस पर जैसे तक खोल हणो तो तुम्हारा ब मोल्स तो मन 48 ग्राम में एल्युमिनियम जहाँ थी ब मोल्स अड़ा तक खोल एग्जाम्पल अची सकन था अभी मैं दूसरा प्रॉब्लम करा रहा हूँ और मैं उठाऊंगा मॉलिक्यूल्स मैं भी टर्न नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 54 ग्राम्स 54 ग्राम्स कह रहे हैं कि वाटर के नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन करो उसके कितने ग्राम दे रहे हैं 54 ग्राम्स अभी सेम ही डेटा बनाएंगे पर यहाँ पे वाटर क्या है इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे हम क्या उठाएंगे मॉलिक्यूल्स उठाएंगे मॉलिक्यूल मास यही आपको समझाना चाह रहा था तो हम क्या करेंगे पहले बनाएंगे इसकी डेटा मेरा डेटा टाइम सिंपल डेटा है ही असके गिवन ये हमें गिवन मास मिला हुआ है तो इसका गिवन मास ऑफ वाटर वाटर का गिवन मास कितना है 54 ग्राम्स ठीक अभी हमें क्या करेंगे वाटर होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो मैंने पहले ही आपको लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि मॉलिक्यूल मास सम ऑफ एटम मास ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स तो ये मॉलिक्यूल से तो हम क्या उठाएंगे मॉलिक्यूलर मास तो इसका होगा मॉलिक्यूलर मास किसका वाटर का इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा किस तरीके से निकालेंगे 16 ये 2 इसके 18 AMU इसका है मॉलिक्यूलर मास हमें क्या डिटरमाइन करना है हमें डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ मोल्स किसके वाटर के ये हमें चीज डिटरमाइन करनी है सॉल्यूशन नम फार्मूला वही लगेगा पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे एटॉमिक वेट की जगह पे मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स वी यूजिंग द गिवन फार्मूला फार्मूला इज दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय अब यहां पे एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर क्या है मॉलिक्यूल से तो यहां पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर नॉट एटॉमिक मास ऑफ वाटर
क्योंकि एटम नहीं है ये वाटर है। आपको भी यही ख्याल करना है, अगर आपको एटम दे रहे हैं तो एटॉमिक वेट लिखोगे, मॉलिक्यूलर दे रहे हैं जो कोवलेंट कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, फार्मूला वही होगा। देखो मैंने यहाँ यहाँ पे लिखा है आर आर आर, तो अभी मैं वैल्यू पुट करूँ तो इसका वैल्यू हम पुट करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वो बराबर होगा गिवन मास ऑफ वाटर कितना है 54 डिवाइड बाय 18, इस पर लगेगा 3 बार 12 लगेगा, तो इसके मोल्स कितने होंगे वाटर के, वाटर के मोल्स होंगे 3 मोल्स। अगर हम उसके कितने ग्राम उठा रहे हैं 54 ग्राम्स, तो ये किस किस से रिलेटेड था, मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड था। तो अगर मॉलिक्यूलर मास हो तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, वही फार्मूला होगा, पर हम क्या लिखेंगे गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट, उसकी जगह पे हम कौन क्या यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। तो ये था कौन सा प्रॉब्लम जब आपको मिला हो मॉलिक्यूलर मास। अभी मैं ऐसा प्रॉब्लम करूंगा जिसमें आपको फार्मूला मास यूज करना पड़े। अभी मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 234.0 ग्राम्स। अभी NaCl के आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने कितने ग्राम्स में 234 ग्राम्स में, तो अभी हम सेम लिखेंगे फार्मूला। फर्स्ट वी मेक द डेटा, हम डेटा बनाएंगे वही डेटा होगी, तो गिवन मास ऑफ NaCl लिखेंगे गिवन मास ऑफ NaCl कितना है 234 ग्राम्स है। अभी देखो ये NaCl हो गया, तो NaCl के लिहाज से मैंने आपको एक पढ़वाया था फार्मूला मास, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड का ज्यादातर हम क्या लेते हैं फार्मूला मास लेते हैं, माना फार्मूला इसका एटॉमिक मास भी लेंगे मॉलिक्यूलर मास भी नहीं लेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड होते हैं तो आयनिक कंपाउंड के लिहाज से लेते हैं फार्मूला मास किसका है NaCl का, वो कितना है 58.5 mu, इसका 23 इसका 35.5 दोनों को जमा करोगे तो 58.5 निकलेगा। ये आपको मैंने असाइनमेंट दी थी कि ये सॉल्यूशन करके भेजना, तो इस तरीके से होगा। नाउ हमें क्या मालूम करना है, वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो बाय यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला वही होगा नंबर ऑफ मोल्स वाला, नंबर ऑफ मोल्स किसका मालूम करें NaCl का, तो वही सेम गिवन मास ऑफ NaCl डिवाइड बाय फार्मूला
मास ऑफ इनिशियल, ठीक है। अभी सिर्फ सिंपली क्या करेंगे, इनके वैल्यू पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स डियर स्टूडेंट इन द, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनएसएल के थींदा, गिवन मास ऑफ एनएसएल केतिरो मिलियो असांखे, केतिरा मिला हुआ है, 234, वी पुट 234 ग्राम्स डिवाइड बाय फार्मूला मास का कितना है 58.5, तो अब इसको पाड़ा मारोगे तो ये आएगा 4 टाइम्स मोल्स। मानो ये भी क्लियर हो गया, मैंने आपको तीनों करवाए, गिवन एटॉमिक मास के लिहाज से करवाया, दूसरा मालिकुलर मास के लिहाज से करवाया एंड फार्मूला मास से करवाया। अभी तीनों का अलग अलग फार्मूला लग रहा था, हम क्या कर रहे थे, जब एटम उठा रहे थे तो एटॉमिक मास मालिकुल्स उठा रहे थे तो मालिकुलर मास नीचे लिख रहे थे, फार्मूला मास उठा रहे थे तो हम फार्मूला जो आयनिक कंपाउंड तो हम फार्मूला लिख रहे थे, फार्मूला वही होगा, पर यहाँ पे आपको सिर्फ नीचे क्या लिखना पड़ेगा, अगर एटम होंगे तो एटॉमिक मास, अगर मालिकुल्स कंपाउंड होंगे तो मालिकुलर मास, अगर आयनिक कंपाउंड होता है तो लिखनासी फार्मूला मास। ये था आज इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम, अगर आपको ये डेटा मिली होगी, सिर्फ आपको क्या चीज़ याद करनी है, किसी भी कंपाउंड की या किसी भी सब्सटेंस की उनकी एटॉमिक वेट याद हो आपको, मालिकुलर मास कैसे निकलते हैं वो आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, एंड फार्मूला मास कैसे निकलते हैं वो आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, सिर्फ आपको इनके एटॉमिक वेट जो मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 20 तक, मैंने आपको ये एटॉमिक वेट बताए थे कि आपको इनके याद करने हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज होते हैं न्यूमेरिकल में, तो आप जैसे आगे करोगे तो आपको देखो एटम आते जाएंगे, तो आपको अगर एटॉमिक वेट याद नहीं होंगे उन एलिमेंट के, तो आप ये प्रॉब्लम या जो ये 58.5 निकल है ये इसका पता नहीं चलेगा, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको आएगा। तो अभी मैं किताब से करा रहा हूँ, असाइनमेंट में से करा रहा हूँ, और आपको ये बता रहा हूँ इनमें से कौन सा MCQs 3-4 बार रिपीट हुआ है, इन्हें मेडिकल टेस्ट में MBBS में जो टेस्ट होती है, और इंजीनियर के लिहाज से उनमें से 1-2 प्रॉब्लम रिपीट हुआ है, तो मैं यहाँ से ऊपर लिखूँगा कि ये रिपीटेड प्रॉब्लम है इन एंट्री टेस्ट जो ज़्यादातर आता है बिल्कुल ईजी। अब मैं आपको पेज बता रहा हूँ, आपकी बुक में से असाइनमेंट नंबर 1, पेज नंबर है 27, प्रोग्रेस टेस्ट वन, तो ये प्रोग्रेस टेस्ट है 1, पेज नंबर 27, अभी इसका पहले का बी पार्ट, फर्स्ट प्रॉब्लम का ए का नहीं, पहले प्रॉब्लम का बी पार्ट, तो बी पार्ट में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द, मैं यहां पर लिख रहा हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2400 ग्राम्स ऑफ, अभी हर किसी के लिए अलग कह रहा है, यह 3-4 कंपाउंड दे रहा है और हर किसी के अलग कह रहा है, पहला दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दे रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तीसरा दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा दे रहा है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी यहां से जो इसका MCQs रिपीट हुआ है वो हुआ है जो लास्ट में मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये वाला, ये एंटी टेस्ट में आ चुका है, ये टेस्ट में आ चुका है, ये बहुत बार आया है, और इंजीनियरिंग में भी इनमें से एक रिपीट हुआ है बिल्कुल इजी, ये कार्बन डाइऑक्साइड,
ये दोनों रिपीट हुए तो मैं एक करा रहा हूँ, बाकी आप जो है घर से इनकी प्रैक्टिस करना। मैं कार्बन एक्सर का करा रहा हूँ। अच्छा, ये ऑक्सीजन मालिक्यूल है, मना ओ टू ए, इसका भी फॉर्म मालिक्यूल मास होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा? इसका होगा हमारा मालिक्यूल मास। मैग्नीशियम ब्रोमाइड का होगा फार्मूला मास है, क्योंकि आयन कंपाउंड है। तो अभी क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं करूंगा गिव, अभी हर किसी के लिए अलग करना है, डेटा वही होगी, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, गिवन मास सारों का सेम होगा, पर इनके मालिक मास फार्मूला मास चेंज होंगे। तो मैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला कर रहा हूं, तो डेटा क्या लिखूंगा, तो गिवन मास गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे कितना है, 2400 ग्राम, ठीक। अभी कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में, मालिक्यूल फॉर्म में, तो मालिक्यूल फॉर्म में क्या उठाते हैं, मालिक्यूलर मास, हम इसका उठाएंगे मालिक्यूलर मास। किसका उठा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का। और आपको मैंने मालिक्यूल मास का निकालना बताया था, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, प्लस करेंगे इसका कितना होगा, एक का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 एटम्स हैं, तो ये 12 प्लस ये हो जाएगा 32, दोनों को जमा करोगे तो 44 AMU आएगा। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में निकालना बता चुका हूँ, इनके एटॉमिक वेट जितने एटम्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका निकलेगा 44 AMU। अभी हमें क्या डिटरमाइन करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितने होंगे, हम फॉलो करना है। सॉल्यूशन कौन सा फार्मूला लगेगा वो मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, क्योंकि गिवन मास मिला हुआ है, हमें मास इन ग्राम मिला हुआ है, तो फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो बराबर होगा। बच्चों अभी पहले से बता चुका हूँ इसका फार्मूला होगा गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय, हम डिवाइड करेंगे, अब ये उठाएंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू है 2400 ग्राम किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसको पारा मारोगे तो आएगा 54.54 मोल्स है, इसके अंदर इतने मोल्स होंगे। अभी आपके जो दूसरे हैं वो आपके असाइनमेंट हैं, इनको आप एक असाइनमेंट में इन्हें कमेंट बॉक्स में आप हल करना कोशिश करना, वरना जो है ना आप लिख के भेजना, जब स्कूल खोलेंगे तो मैं चेक करूंगा। अभी ऑक्सीजन मालिक्यूल का मालूम करना है, O2 का मालूम करना है, आप घर में इनकी प्रैक्टिस करना, कैल्शियम कार्बोनेट का मालूम करना है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मालूम करना है। इसका एटॉमिक वेट है 80 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस मैग्नीशियम का है 24, तो ये आएगा 184 AMU। ये तो मैंने आपको पहले से बता दिया, ये होगा फार्मूला मास। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालोगे, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का बोर 12 और ऑक्सीजन का एक का होता है 16, 3 करोगे तो 100 के बराबर आएगा, ऑक्सीजन का होगा 32 AMU। तो ये मैंने पहले आपको बता दिए, अभी आप इनके घर में प्रैक्टिस करना, अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप मुझसे, बिल्कुल इजी है, मास गिवन मास आप सभी से मिला होगा। और हाणे तव्हांखे छा करणो पवंदो, बाक़ी जेके बकाया आहिनि तव्हांखे पाण हल करणा पवंदा, जीअं तक मां ॿुधायो आहे। अगरि तव्हांखां वरी बि नथो थिए त तव्हां मूंखां पुछी सघो था, सर इन टॉपिक खे रिपीट कयो, हीउ असांखे फॉर्मूलो समुझ में न आयो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां हिनखे 9th क्लास में जी घणी प्रैक्टिस कई हूंदी, अगरि बि नथो अचे त पोइ वरी सां हाणे नेक्स्ट टॉपिक में
असा मास इन ग्राम डिटरमाइन कदासी अगर नंबर ऑफ मोल्स मिलल हुंदा बियो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आयन एटम मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन कदासी उन अलग फार्मूलो है ओतानी किताब में भी है ओतानी मां नेक्स्ट टॉपिक में इन जा प्रॉब्लम जब नंबर ऑफ मोल्स मोल जा प्रॉब्लम खत्म थींदा पो असा कदासी एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जे में ये फार्मूला सगा सेम ही सेम यूज थींदा ऐं उहे स्टेप बाय स्टेप यूज थींदा अभी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है कोई भी मसला है इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो तो आज की टॉपिक क्या थी आज हमने किया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इसको अच्छी तरह देखना जिस तरीके से मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ बिल्कुल आपको इस तरीके से लिखना है और इसके प्रॉब्लम आपके बोर्ड के पेपर में भी आते हैं यही सेम आते हैं सेम डेटा दी जाती है थैंक यू वेरी मच